ठीक ना। कोई पूछता है एमएस वर्ड में कितने मेन्यूज, बता देने का आपको कितने चाहिए जी, आपको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, ठीक है। एस्केप विंडोज आर दबाया, यहां क्या लिख के एंटर करूं तो फिर एक्सेल खुलेगा है, ई एक्स सी ई एल करके एंटर मारूंगा तो एक्सेल खुल जाएगा, ठीक ठीक। चलिए एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, नहीं पता, पता है नहीं पता है, हे ऊपर वाले कुछ करो। एक्सेल का एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस, ये किसके अकॉर्डिंग, एक्सेल 2003 के अकॉर्डिंग, ठीक, और 2007 है या उसके ऊपर है तो एक्स एल एस, पक्का गारंटी के साथ बोलता हूं, पूछेगा परीक्षा में, ठीक, और आपसे नहीं पूछेगा तो आपके पड़ोसी से पूछेगा, और वो पड़ोसी आप ना बन जाए, ठीक है, पक्का गारंटी के साथ पूछेगा, ठीक है। चलिए जी, क्विक एक्सेस बार में आपको बताया था ना थ्योरी में, अभी बोर्ड में, कि कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड को या एक्सेल को, ठीक है। तो जो क्विक एक्सेस बार में कह रहा था वो ये दिख रहा है ना उसी के जैसा, यही है क्विक एक्सेस बार, इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो यही है, राइट। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं एक्सेल में, ठीक है। अच्छा आप लोग ये बताओ ना, ये सब तो मैं कहां तक, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था क्या, ये नंबर में था, ये नंबर खत्म किया था कि नहीं किया था, मतलब नंबर खत्म कर दिया था और ये स्टाइल वाले में था, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था नहीं बताया था, नहीं बताया था। चलिए जी देख लेते हैं क्या बोलता है, इसमें लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट करना, ठीक है। बात ऐसा है कि मुझे अंग्रेजी बहुत कम आता है और नहीं आता है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना अलाइनमेंट वगैरह, इसका आइकन देख के मैं समझ जाता हूं कि इससे ये काम होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग याद करना। मैं एक क्वेश्चन उस समय पूछना भूल गया था, ठीक है, जब मैं वहां व्हाइट बोर्ड पे पूछ रहा था, वो क्वेश्चन मैं अब पूछ लेता हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है ना, होता है नहीं होता है, तो किस में होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस में होता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है कहां, या फिर ओरिएंटेशन से क्या होता है, तो आप कह देना लैंडस्केप कर सकते हो आप पेपर को या पोर्ट्रेट कर सकते हो, राइट, तो आप भूलोगे नहीं, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूछेगा एग्जाम में, और आपसे ना पूछा तो आपके पड़ोसी से पूछेगा, और वो पड़ोसी दुर्भाग्यवश आप मत बन जाना, ठीक, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। चलिए जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं, या इसको देखने से पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पढ़ेंगे तो कुछ हमें सेल एड्रेस फॉर फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं कि इस मेन्यूज को पहले पढ़ लेता है थोड़ा सा, ठीक है, ये सेल के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं जी ये इंसर्ट से क्या मतलब है। इंसर्ट सेल, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है वही जो उस दिन मैं बताया था, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कुछ लिखा, ठीक, ओके, अच्छा ये बड़ा इंटेलिजेंट है, अपने से लगा लिया इक्वल टू का साइन, ठीक है, एंटर एंटर, ठीक। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक तो और सेल हो, मतलब एक रो और इंसर्ट कर दूं, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा, यहां पे आऊंगा प्लस का साइन मार दूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो भी इंसर्ट हो जाएगा, और यहां से इंसर्ट करूंगा तो भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ। ये देखिए बोल रहा है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल डाउन जैसे ही मैं करूंगा तो एक तो और रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा बोल दूंगा इंसर्ट कॉलम, ये देखिए इंसर्ट कर दिया, या फिर कंट्रोल प्लस मारूंगा, कंट्रोल माइनस मारूंगा तो जो है कॉलम डिलीट हो रहा है, ठीक, ये देखिए, ठीक है ना, और वही
कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो कॉलम या फिर रो डिलीट होगा, माइनस से डिलीट होगा और प्लस से बढ़ेगा, मतलब इंसर्ट होगा। कंट्रोल के साथ प्लस या माइनस दबाना है, राइट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हमने पढ़ा कि 2003 में, ठीक है, 2003 का सॉफ्टवेयर में एक्सेल कल इंस्टॉल करूंगा अपने कंप्यूटर में और आपको लाइव दिखाऊंगा कि 256 कॉलम सच में होते हैं या कि नहीं होते हैं, ठीक। तो 256 कॉलम होते हैं एक्सेल में, ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया, राइट। मान लीजिए कि मैं कंट्रोल माइनस माइनस दो बार दबाया और डिलीट कर दिया दो कॉलम, ठीक। अब कितना कॉलम बचा? उतना ही बचा है, दो ठो में डिलीट किया ना आपके सामने। अच्छा, वो पीछे चला गया, क्या बात है। इसका कोई प्रमाण आपके पास है? प्रमाण क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है इसका? लास्ट में जाऊं, शॉर्टकट बटन दबाया था लास्ट में जाने का, लास्ट में जाने का शॉर्टकट बटन दबाया था, बताया था नहीं बताया था? याद नहीं। कंट्रोल प्लस एरो दबाएंगे तो लास्ट में पहुंच जाएंगे। आ गया, अब बताइए क्या करूं। अच्छा, यहां कहां दिख रहा है मेरे को? चलिए यहां पे मैं कुछ लिख दिया, ठीक। अब चलिए, अब मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या इंसर्ट होगा? होगा कि इंसर्ट नहीं होगा? होगा, पक्का, गारंटी। अगर नहीं हुआ तो आप फीस डबल देंगी। चलिए ये देखिए, मैं एंटर दबा रहा हूं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूं, ये क्या बोल रहा है कि आखिरी वाला कॉलम खाली नहीं है, क्योंकि मैं इंसर्ट नहीं करता, यहां वाला ही उठा के ले जाता हूं, ठीक। अब माइनस का साइन दबाऊंगा तो क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होके जाएगा कहां? किनारे चला जाएगा। ये देखिए, ये वाला मैं आखिरी में लिखा था, इसको अब किनारे, इसमें एक और इंसर्ट हो गया तो ये इधर आ गया, तो साबित हो गया कि जो उधर वाला था वो आ गया आखिरी में, जो फर्स्ट वाला कॉलम था वो आखिरी में आ गया, राइट। तो आप भी ऐसे ही साबित करिएगा, कोई प्रमाण पूछेगा तो, ठीक। डाउन, ये देखिए आ जाएगा सब कुछ, प्लस और एंट्री रो, ये देखिए रो इंसर्ट किया तो ऊपर चला गया, एक यहां पे आ गया। रो में भी ऐसा ही होता है, ठीक। तो कॉलम या फिर रो ना ही इंसर्ट होता है ना ही डिलीट होता है, बस इंसर्ट करने पे सीट का आखिरी वाला कॉलम आ जाता है वहां जहां हम इंसर्ट करते हैं, और जिसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं रो या कॉलम हो वो चला जाता है आखिरी में। यही एक्सेल का सत्य है, ठीक, समझ में आ गया, यही एक्सेल का सत्य है जी, ठीक। चलिए, तो ये इंसर्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक। इसमें भी बोल रहा है, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। हैंग कर गया क्या मेरा एक्सेल, ठीक है। ये देखिए रो का है कॉलम का है, ये है सीट का। सीट माने क्या? इसको मैं इसको प्रेस करता हूं, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये वाला है वर्कबुक, और ये वाला है, ये क्या है? एक्सेल का पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये है वर्कबुक, ठीक, और ये है एक्सेल में सीट। इसको नया इंसर्ट करना है तो आप यहां से इंसर्ट कर लेंगे सीट, ठीक। इसका एक शॉर्टकट बटन भी है अगर मुझे याद है तो, शिफ्ट F11। इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है, ठीक। हो सकता है वाइवा में आपसे पूछा जाए कि कितना सीट हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप उससे कहिएगा, देख लीजिए आप अपना और अपने कंप्यूटर का क्षमता कितना इंसर्ट कर सकता है, ठीक, ठीक ना। 100-200 में लाइव इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए 97 तो इंसर्ट हो गया, चलिए 100-200 में इंसर्ट कर दिया, 205 हो गया, 206 हो जाएगा, 7 हो गया, और फिर छोड़ा मैं तो इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं शिफ्ट F11 दबा रहा हूं तो ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है।
तो आपके कंप्यूटर के रैम में जितना मेमोरी है उतना जो है इंसर्ट सीट हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 600 इंसर्ट कर दिया मैं। ठीक है, मैं यार मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस तो है लो है, डाउन है परफॉर्मेंस, इसलिए आपको लाइव बढ़ता हुआ नहीं दिखता है और बहुत फास्ट इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जाएगा लास्ट सेल, लास्ट सीट पे, ये देखिए आ गया ना। और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जाएगा इधर, यहां पे आ गया। ठीक है, और इस पे करूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक, और ये वाला है नेक्स्ट और प्रीवियस, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, या प्रीवियस नेक्स्ट जिसे आप कह लो। ठीक है, तो ये जा रहा है आगे पीछे। ठीक, चलिए आपसे पूछा जाएगा वाइवा में, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट होते हैं। ठीक, ये मैं का खोल दिया, तो आप कह देना बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं एक्सेल 2007 के अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग, 2003 के अकॉर्डिंग, एक्सेल 2013 में शायद, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा ना थोड़ा सा,